अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, न्यू व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। सही मंडे का दिन है, टाइम हो रहे हैं 1:15, तो अभी ये थोड़ा सा स्टॉक फ्लांटी का मंगवाया, इंशाल्लाह शाम को स्टैंड पे लगाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। और अभी पाक फूड का सामान आना है थोड़ा बहुत, वो भी इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको। और बाकी जैसे जैसे वैरायटी, आज मंडे का दिन है, जैसे जैसे वैरायटी हमारे पास आती जाएगी मैं आपको उसके साथ भी व्लॉग बना के आपको दिखा दूंगा क्या क्या आया। अभी हमारे पास सिगरेट वाली कंपनी आई है, ठीक है, उनसे हमने ये लिया 3 डंडे कैप्सन के लिए, एक गोल्ड लीव लिया जिसमें से एक बेच भी दिया। बाकी ये वेलोना सवार है हमारे पास, इसकी रनिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ के लिए यूज़ होती है कि जो नशा वगैरह करते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो सिगरेट छोड़ने के लिए ज़्यादा यूज़ होती है। बहरहाल है नशा ही है, बेशक सिगरेट छोड़ने के लिए यूज़ करें या वैसे शौक के लिए करें, है नशा ही है। ये है जी इलायची ब्लास्ट 3 डॉट, 2 डॉट भी आता है, 3 डॉट भी, 4 भी। अच्छा, बीच में वीडियो पॉज करने का मतलब ये होता है कि कोई लेडीज़ गाहक आ जाए या बच्चियाँ वगैरह आ जाएँ, तो उस वजह से फिर वीडियो पॉज करनी पड़ जाती है, तो फिर दोबारा जब वीडियो लगाता हूँ तो नया कोई टॉपिक होता है। तो इस पर बात कर रहे थे हम, ये 3 डॉट है, इसमें 2 डॉट भी आता है, 3, 4 और 5 का सुना नहीं है मैंने अभी तक। अच्छा, दूसरा फ्लेवर इसका ये है पोलर मिंट निकोटीन। बाकी आप देख लें, मैंने तो कभी नहीं डाली, मुझे इसका कुछ ख़ास इल्म नहीं है। और मेरे पास एक खुला पैकेट इसका है, उसका मैं आपको पाउच भी दिखा देता हूँ इसके अंदर कैसे छोटे छोटे पाउचेज होते हैं। अच्छा, ये आ गया सेकंड पोलर मिंट, और ये आ गया थर्ड, ये भी पोलर मिंट है 3 डॉट, ठीक है। बाकी इसके इंस्ट्रक्शन आप देख लें, एक्सपायरी डेट मेंशन है साथ, बाकी पीछे इसका तरीका इस्तेमाल लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये इसी में आ जाती है, ये नया फ्लेवर आया है लीची ब्लास्ट, ये भी 3 डॉट में है, और ये भी सेम वही चीज़ है। ये यूज्ड में हमारे पास पड़ी है, यानी कि कुछ पीस बिक गए हैं, 3 पीस रह गए हैं। ये आप फ्लेवर है वेलो अर्बन वाइप, या बर्बन वाइब है, और ये सारी आ गई 3 डॉट में। बल्कि एक फ्लेवर मेरे पास और पड़ा हुआ है, और पांचवा फ्लेवर ये आ गया, चौथा फ्लेवर, इसका नाम है जी बेरी फ्रॉस्ट, ये भी 3 डॉट है। ये अब आपके सामने कितनी किस्म की पड़ी हैं जी, 1, 2, 3, 4, 4 किस्म की वेलो है, ठीक है। और इसकी हमारे पास ठीक ठाक रनिंग है, अच्छी बिकती है। अच्छा, ये तो व्यू था ना हमारा वेलो का, इसमें अभी ये 5 डॉट भी आती है, ये है जी 5 डॉट, इसके ऊपर लिखा हुआ है पोलर मिंट, ये आप 5 डॉट है, ठीक है, पोलर मिंट है ये। ये जो है ये ज़्यादा हार्ड होती है, और आम बंदा डाले तो ये जहाज बना देती है आम बंदे को, बस फिर जहाज की तरह उड़ते रहो, ठीक है। तो अभी इसमें मेरे पास फ्लेवर और भी कम है, ये था पोलर मिंट और ये 5 डॉट, इसी का ही बेरी फ्रॉस्ट। ये हैं जी टोटल, ये वाले जो ब्लैक पीसेज हैं ये होलसेल रेट पे जो कंपनी हमें देती है, वो बिल अभी मैं लेट आया हूँ तो बिल नहीं है मेरे पास। ये वाली जो है ये हमें 600 की मिलती हैं 5 पैकेट, 130 रुपये सेल है मेरे ख्याल, 110 या 12 की हमें पड़ती है, 130 रुपये सेल करनी है ये वाली, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये वाली जो है ब्लैक वाली दोनों, ये हमें मिलती हैं जी 750 रुपये की, ये हमने सेल करनी है 160 रुपये की, ठीक है। 5 डॉट महंगी होती है, 3 डॉट और 5 डॉट हम इधर चला रहे हैं,
तो इस वजह से अभी सामान आया, मंडे का दिन है तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं। और बाकी ये है कि हमारे यहाँ मैं गली मोहल्ले में बैठा हूँ, तो गली मोहल्लों में इसकी सेल अच्छी है। ठीक है, तो बाकी ये था व्यूज़ आज वेलो का। बाकी जो नशा करते हैं उनको तो पता होगा, और जो नहीं करते तो उनको भी पता होगा कि ये क्या चीज़ है। इसके अलावा एक आती है तारा नसवार, उसकी भी सेल हमारे पास अच्छी है। अभी वो मेरे पास ख़त्म है अभी, बाकी ये नसवार है, ये है 17 और दिलावर। बाकी इसके अलावा ये है, बाकी ये मैंने आपको बता दिया जो भी जिसमें है। ठीक है, 3 डॉट जो है वो ये 5 पीसेज हैं 3 डॉट के, 600 रुपये की हमें मिलती है। ये है 5 डॉट, ये हमें 750 की मिलती है। आगे देख लें आप लोगों के वहाँ जिस रेट पे बेचनी है बेचें, कोई इशू नहीं है। बाकी ये हमने सिगरेट लिए हैं कुछ 3 डंडे ये लिए हैं, बाकी कुछ थोड़ा बहुत लगा हुआ भी है। तो ये था अभी वेलो का रिव्यू। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई भी सामान आता है, पाक फूड का सामान अभी हमारे पास आना है, तो फिर इंशाल्लाह मैं वीडियो बना के वो भी आपको वीडियो दिखाऊंगा कितनी क्या क्या चीज़ आई है। तो अजान हो गई है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह शाम को नया व्लॉग बनाऊंगा और फिर वो आपसे लोगों से नई इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा।